हमास ने इसराइल पर घातक हमला 50 साल पहले उस हमले की वर्षगांठ के ठीक एक दिन बाद किया जिसे मिस्र और सीरिया ने अंजाम दिया था। अक्टूबर 1973 में उस हमले के बाद पूरा मध्य पूर्व युद्ध की चपेट में आ गया था। हमले की भयावहता, मृतकों और घायलों की तस्वीरें और वीडियो बयां कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें हमास के चरमपंथी सैनिकों और आम नागरिकों को बंधक बनाते दिख रहे हैं। गाजा का ये वीडियो सामने आने के बाद इसराइल का गुस्सा और भी भड़क गया। हमास के हमले के कुछ घंटों के भीतर ही इसराइल ने गाजा पर जवाबी हमले शुरू कर दिए और अब इजरायली सेना की अगली योजना गाजा पर ग्राउंड अटैक की है। लेकिन मुश्किल ये है कि गाजा में हमास के कई इजरायली सैनिकों और नागरिकों को बंधक बना रखा है। फ्लैशबैक में देखें तो पिछले कुछ महीनों से फिलिस्तीन के आतंकी गुट और इसराइल के बीच तनाव गहराने लगा है। इसराइल को किसी बड़े धमाके की आशंका थी, लेकिन जिस तरीके से हमास ने अंजाम दिया वो आशंका से भी बड़ा चौंकाने वाला था। दरअसल दोनों के बीच बढ़ते तनाव की एक और बड़ी वजह है वेस्ट बैंक, यरूशलम और जॉर्डन बॉर्डर के बीच का ये वो इलाका है जिस पर इसराइल और फिलिस्तीन दोनों ही नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश में है। वेस्ट बैंक पर 1967 से ही इसराइल का कब्जा है, लेकिन फिलिस्तीन के प्रतिरोध के बाद यहाँ पूरे साल हिंसक घटनाएं और झड़पें होती रहती हैं। वेस्ट बैंक के जेनिन और नेबुल्स शहरों से बाहर रहने वाले सशस्त्र फिलिस्तीन नागरिकों ने इजरायली सैनिकों और यहूदी बस्तियों पर हमले किए। इजरायली सेना ने यहाँ दर्जनों छापे मारे क्योंकि इजरायल मानता है कि उन्हें कब्जे वाला पूरा इलाका यहूदियों का है। ऐसे में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि हमास गाजा से इतने सुनियोजित तरीके से ऐसा बड़ा हमला करेगा। हमले के बाद इसराइल की खुफिया एजेंसी पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इसराइली लोग मानते हैं कि जासूसों और एजेंडे के इतने बड़े नेटवर्क और पूरे इलाके में हाईटेक सर्विलेंस से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित है। फिर भी एजेंसियों की आंख में धूल झोंकते हुए हमास ने हमले के लिए शवात यानी कि यहूदियों की धार्मिक छुट्टी का दिन चुना। ये दिन इजरायली लोगों के लिए प्रार्थना और आराम फरमाने का होता है। हालांकि हमले को लेकर हमास ने बयान जारी कर चुका है कि उसने ये कार्रवाई यरूशलम की मस्जिद पर बढ़ते खतरे की वजह से की है। दरअसल हमले के कुछ दिन पहले ही कुछ यहूदियों ने अल अक्सा मस्जिद परिसर में प्रार्थना की, जबकि इस मस्जिद को मुस्लिम मक्का और मदीना के बाद तीसरी सबसे पवित्र बताते हैं। लेकिन अल अक्सा मस्जिद का यही परिसर यहूदियों के लिए भी पूजनीय है। यहूदी इसे टेंपल माउंट कहते हैं, लेकिन इसराइल ने यहाँ यहूदी प्रार्थना पर पाबंदी लगा रखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिलिस्तीनियों को ये मंजूर नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये हमास का हमला गाजा में बढ़ रही इसराइल की एक्टिविटी को माना जा सकता है, या फिर जिस तरह से हमले के बाद से फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम देश आए हैं, तो ये माना जाए कि हाल ही की नहीं महीनों की सोची समझी फिलिस्तीन की रणनीति है। स्पेशल रिपोर्ट, AMB नेटवर्क।